बड़ी खबर का रुख करते हैं। जेडीए की बगराना इकोलॉजिकल जोन में कार्रवाई हुई है। 3 बीघा कृषि भूमि पर ग्रेवल रोड और बाउंड्री वॉल बनाकर विकसित की जा रही थी। नई अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। कॉलोनी के लिए वाकई में लोगों को जो बकायदा है वो निर्माण भी किए गए थे, लेकिन जो निर्माण किया गया था इस कार्रवाई के बाद उसको ध्वस्त किया गया और जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इनको ध्वस्त कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध निर्माण किया जा रहा था लेकिन जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की जानकारी इस पर पहले से थी। जेडीए की बगराना इकोलॉजिकल जोन में कार्रवाई। 3 बीघा कृषि भूमि थी, कृषि भूमि पर ग्रेवल रोड और बाउंड्री वॉल बनाकर इसे विकसित किया जा रहा था, कब्जा कर लिया गया था। नई अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी और कॉलोनी के लिए जो निर्माण किया गया था उसको ध्वस्त जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आखिरकार कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुट गया। अभिषेक, पूरी जानकारी चाहेंगे इस पर। देखिए, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से जो है अवैध कॉलोनी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाता है, उसी के तहत आज ये कार्रवाई की जा रही है। खासकर जो शहर का इकोलॉजिकल जोन का इलाका है, जो कि आगरा रोड और बगराना का ये जो इलाका है कोनागुरिया का, इस इलाके में तेजी से जो है अवैध कॉलोनियां लगातार बसाई जा रही है। जबकि जो हाईकोर्ट है उसका भी ये कहना है कि पिछले मास्टर प्लान जो शहर का लागू था उसमें भी अगर कोई इकोलॉजिकल जोन है तो उसको इकोलॉजिकल जोन को वैसे ही मेंटेन रखा जाए। इसके लिहाज से इकोलॉजिकल जोन में जेडीए का खास फोकस रहता है, क्योंकि इकोलॉजिकल जोन में जो है इस तरह की बसावट अलाउ नहीं है। इकोलॉजिकल जोन में कुछ लिमिटेड यूजेज ही किए जा सकते हैं, जैसे फार्म हाउस या कोई इको फ्रेंडली जो है वही कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की जो अवैध कॉलोनियां बस रही है तो उसके खिलाफ जेडीए का लगातार अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज प्रवर्तन दस्ता ये नई कॉलोनी जो है ध्वस्त की, जो कि अवैध कॉलोनी बगराना में बताई जा रही थी 3 बीघा जमीन पर, उसको ये ध्वस्त किया गया। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।